नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया आसान सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने ओरियो बिस्किट से बनाई है और सिर्फ दो चीजों से ही बनकर ये मजेदार मिठाई हमारी तैयार है। तो आइए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। ओरियो रोल बनाने के लिए 25 मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, क्रीम वाले बिस्किट है ये वाले। अब हम सबसे पहले बिस्किट से क्रीम अलग कर लेंगे, से हाथ से खोलेंगे, बहुत आसानी से इसका अलग हो जाता है। बिस्किट साइड में रख लेंगे और क्रीम को हम इस तरह से निकाल लेंगे, तो ऐसे क्रीम अलग हो जाएगा और बिस्किट अलग हो जाएंगे। एक और दिखा देती हूँ, इस तरह से ऐसे बहुत आसानी से फटाफट हो जाता है। बगैर गैस जलाए हमारी बहुत ही बढ़िया मिठाई बनने वाली है। तो इस तरह से मैं सारा क्रीम निकाल लेती हूँ और ये बिस्किट ऐसे बगैर क्रीम के बिस्किट निकाल कर अलग रख लेती हूँ। इस तरह से मैंने बिस्किट से सारी क्रीम बाहर निकाल के रख ली है, एक अलग बाउल में निकाल के रख ली है। अब हम क्रीम को एक साइड रख देते हैं और ये जो बिस्किट है इसे मिक्सी के जार में डालकर इसका अच्छा पाउडर बना लेंगे और हम उसे छान लेंगे, ताकि कुछ बड़े कण अगर रहेंगे तो छन्नी से ऊपर आ जाएंगे। हमें बिल्कुल पाउडर चाहिए, तो हम इसे मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं और फिर छान के तैयार कर लेते हैं। मैंने इसका पाउडर बनाकर अच्छे से छन्नी से छान लिया है, तो ये हमारा पाउडर बनकर तैयार है और ये हमारे बिस्किट का क्रीम है। अब हम इसमें जो ये चम्मच है मेरे पास, 3 चम्मच मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। जरूरत लगेगी तो उसके लिए थोड़ा सा दूध हम और डालेंगे, और 1 चम्मच दूध में क्रीम में डाल देती हूँ। क्रीम को भी अच्छे से मसल मसल के फेंट लेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जरूरत अगर लगेगी तो थोड़ा सा दूध इसमें हम और डाल लेंगे। इस तरह से मैंने ओरियो बिस्किट का जो पाउडर था उसे गूथ लिया है। उसमें मुझे 2 टेबलस्पून दूध और लगा, तो 3 टेबलस्पून पहले डाला था और 2 टेबलस्पून बाद में। मैंने इसमें 5 टेबलस्पून के करीब दूध डाला है और 1 टेबलस्पून दूध जो हमने डाला था क्रीम में उसे भी मैंने इस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। पूरा क्रीम बहुत अच्छे से दूध के साथ में मिक्स हो गया है। अब मेरे पास एक पॉलीथीन है, आप भी किसी भी तरह की एक पॉलीथीन ले सकते हैं, और इसमें अब हम ये जो हमारा ओरियो का जो हमने गूंथ के रखा है आटा, उसे हम इसमें रख देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे और इसे हम बेलन से अच्छे से बेल लेते हैं। बहुत आसानी से बेल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितने बड़े साइज की मैंने पॉलीथीन ली थी उस हिसाब से मैंने पूरा बेलन से उसे इस तरह से बेल लिया है। तो पॉलीथीन पैक थी तो पूरे कॉर्नर्स अच्छे से इस तरह से बन गए हैं। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया रोल बनकर ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम ये पॉलीथीन है इसे हटा देते हैं और इसे ऊपर का जो इसका पोर्शन है इसे हम पूरा काट के अलग कर लेते हैं। इस तरह से ये पूरी पॉलीथीन काट के मैंने अलग कर दी है। अब जो हमने क्रीम तैयार किया था उसे हम इस पर डाल देंगे और पूरा अच्छे से इसे फैला देते हैं। बहुत आसानी से ये प्रोसेस भी हो जाती है। इस तरह से मैंने क्रीम भी उस पर पूरा अच्छे से फैला दिया है। अब एक साइड से धीरे से इसको उठाएंगे और इसका रोल बनाएंगे। इस तरह से
तरह से बिल्कुल पॉलिथीन हटाते हुए इसे हम इस तरह से गोल गोल कर, इस तरह से ये हमारा पूरा रोल बनकर तैयार है। आसपास की जो पॉलिथीन थी उसे मैंने इसी में इस तरह से कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा रोल बनकर तैयार है। अब हम इसे फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, फिर हम इसे काटेंगे। 1.5 घंटे के करीब मैंने रोल को फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सेट हो गया। इसे पॉलिथीन हम हटा देंगे। कितना बढ़िया बनके तैयार हुआ है, मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा आगे का हटा देते हैं। देखिए कितना बढ़िया रोल बनके तैयार हुआ है। देखिए है ना बढ़िया मिठाई, और बहुत जल्दी बनने वाली, और सिर्फ 2 चीज़ों से। ठीक है, इसी तरह से मैं पूरे रोल को कट कर लेती हूँ। मैंने पूरे रोल को कट कर लिया है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है, लग रही है ना बिल्कुल डिलीशियस। तो आप भी इस तरह से स्वीट रोल बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।